प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और माफिया राज पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए लाए जाने वाले कानून के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के दो और राजद के एक विधायक के भाजपा में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया है। बिहार के 12 जिलों के युवाओं के लिए सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण जारी है। 22 मार्च तक होगा पंजीकरण। राशन कार्ड धारकों का 2 मार्च से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन कार्य 1 मार्च से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। वर्ष 2021 से फरार चल रहे निलंबित डीएसपी कमलकांत प्रसाद ने गया सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। उन पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। बिहार सर्किल के पटना साहिब मंडल के अंतर्गत मोबाइल पार्सल वाहन द्वारा बुकिंग एवं वितरण सेवा प्रारंभ की गई है। गोपालगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 3 ट्रक शराब बरामद किया है। पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।